बाप किया, फिर बेटा भी आ गया जज में, यहाँ तक कि लोग बता रहे गर्लफ्रेंड भी आ गई उसमें। जैसे जैसे उनका ताल्लुकात होता रहा तो एससी एसटी ओबीसी में जो काबिलियत लोग हैं उनको सियासत के तौर पे कि ये लोग पीछे रहें, उनको काटा जाए। अगर ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये 7 जज में अगर एससी एसटी अगर इसमें जज कायदे से होते तो ये निर्णय होगा ही नहीं करता। अगर ये करना ही है इनको जातिगत आरक्षण जातिगत जनगणना करा दे। गोली चढ़ने पे कोई किसी को हत्या किया जाता है, किसी को मूछ रखने पर हत्या किया जाता है, किसी के मटके पानी पी लेने से मेघवाल नाम राजस्थान में मटके पी लेने से हत्या हो जाती है। ये प्रतिसत्तात्मक सोच वाले लोग, सामंतवादी सोच वाले लोग, ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग। इस वक्त हम इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के सुभाष चौराहे के बगल में पत्थर गिरजा घर पर है जहाँ पे धरना स्थल है। आज आपको बता दें कि भारत बंद है, बहुजन समाज के सामाजिक संगठन जो लाखों लाखों करोड़ों संगठन है वो भारत बंद का आह्वान किए हैं। आह्वान को लेकर इधर जो है धरना स्थल पर बहुत सारे संगठन है, जैसे भीम आर्मी, समता मूलक सेवा समिति, ऐसे अनेक संगठन है। उधर जो है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच है, अनेक संगठन भारत बंद को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इधर श्यामलाल बहुत जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कारण है आपको जो है जमीन स्तर पर उतरना पड़ा, धरना करना पड़ा? धन्यवाद बड़े भाई, मेरा नाम श्याम जी बहुत, एडवोकेट हाई कोर्ट। कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं एससी एसटी के प्रति, उन्होंने जो इस तरीके से गलत डिसीजन लिया है, ये गलत है। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी किसी नेताओं ने ये नहीं बताया, पहली बात क्रीमिलियर ये गलत शब्द है। क्रीमिलियर ही संवैधानिक शब्द नहीं है। आप संविधान को उठा के बाबा साहब ने लियो है, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संविधानिक संविधान में क्रीमिलियर शब्द नहीं डाला है। ये लोग क्रीमिलियर शब्द जो है, ये गंदी सोच के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने गलत तरीके से डिसीजन लिया, ये नहीं लेना चाहिए। और ये है कि एस सी एस टी ओ बी सी में जो भी समाज जागरूक हुआ, वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आया, वो आगे आ गया। और जो जो है पढ़ाई लिखाई को हल्के में लिया या उस तरीके से उनकी व्यवस्था नहीं थी, वो पीछे हो गए। तो वो जो पीछे हो गए वो ये ना आरोप लगाए कि फलाने जात ने इस तरीके से हमारे साथ गलत ज़्यादा ले लिया। आप जो है सही तरीके से, सही संस्कार में, सही पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में नहीं थे। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि फलाने समाज को इतना दिया जाएगा, फलाने समाज को इतना दिया जाएगा, ये बाबा साहब ने नहीं लिखा है। अब उसमें है जो समाज जितना एक्टिव रहा उसमें वो लिया, क्लियर ये है। अब आगे भी जिस तरीके से, अब अगर यही देखा जाए तो जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस में है, अब उसमें बाप किया फिर बेटा भी आ गया जज में, यहाँ तक कि लोग बता रहे गर्लफ्रेंड भी आ गई उसमें। जैसे जैसे उनका ताल्लुकात होता रहा तो एससी एसटी ओबीसी में जो काबिलियत लोग हैं उनको सियासत के तौर पे कि ये लोग पीछे रहें, उनको काटा जाए। अगर ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये 7 जज में अगर एससी एसटी अगर इसमें जज कायदे से होते तो ये निर्णय होगा ही नहीं करता। एक माइंड के लोग हैं, वो एक माइंड के लोग हैं, हमारे विपरीत ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। चाहे वो आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में, जितने भारत में जितने हाई कोर्ट हैं, जितने जिला जज हैं, उसमें हमारे कितने जज हैं, हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ गलत डिसीजन हो रहे हैं, ये सियासत है। अगर गलत हो जाता है सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में तो ये लोग हाई कोर्ट में स्टैंड कर लेते हैं, और हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाते तो सुप्रीम कोर्ट में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग जज हैं वो लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ निर्णय दे देते हैं। ये सत्य ये है, हम लोग उन्हीं के खिलाफ, ये हमारे नवाब सतपाल तंवर भीम सेना के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके समर्थन में, कांसीराम समता मूलक सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी बहुत, उनके समर्थन में मैं 21 ये हमारा जो है ये जो काला दिवस मनाया जा रहा है, मैं उनके समर्थन में हूँ सर। और सर अच्छा, एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण जो निर्णय आया है इससे हानिकारक क्या? हानिकारक ये है कि अभी मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जो समाज, जैसे हम लोग चार परिवार में 4-5 भाई हैं, जो जैसे सक्षम हुआ, जिस अच्छे संस्कार में पढ़ता चला गया उसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया, और जो नहीं पढ़ा वो उसमें सभी हैं, चाहे वो चाहे हमारे हेला बिरादरी के हों, चाहे सोनकर बिरादरी के, जितनी हमारे 6000 लगभग 400 जातियाँ जितनी हैं, सारी जातियों के कंडीशन है। जो समाज ज़्यादा संघर्ष में मरा वो लड़ा मरा, एजुकेशन में या नुकसान सहा तो वो लोग अपने अपने आप को एजुकेशन में हर जगह से वो आए। दिक्कत ये जो लोग कह देते हैं
कि हम इसमें नहीं है, तो ये उनकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। आप जैसे काम, जैसे अभी बहन जी ने एक डिसीजन लिया था, 1,00,000 सफाई कर्मी को उन्होंने जो है सर हर समाज को रख दिया। हर समाज को बहन जी ने इसलिए रख दिया था कि जिस समाज के लोग हमको गंदी मानसिकता से डाउन करते हैं, ये गंदा काम करता है, ये गंदा काम करता है, तो बहन जी ने ये कहा था कि वही समाज, अगर हर समाज के लोग काम करने लगेंगे तो जो आदमी हमारा विरोध कर रहा है वो भी नहीं करेगा। जैसे जनरल कास्ट आ गए, वो भी यही काम करने लगे सफाई कर्मी का, तो वो लोग दलित का विरोध नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ सर, यहाँ पर ये है एकदम फैक्ट बात। मांगे क्या है इसको लेकर? मांग क्या है कि अगर इस तरीके से निर्णय नहीं लिया जाएगा तो ये हमारे जो जितने भी हमारे भाई लोग हैं SC ST OBC के जो संसद में, जो लोकसभा में बने हुए हैं, उनके माध्यम से हम अपनी बात वहां पर उठवाएंगे। हालांकि लोग उठाए भी हैं, जितने भी संसद बने हैं SC ST OBC के लोग, उन लोगों ने माननीय जो है प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी किया है और उन लोगों ने मानने की बात भी कही है। हमारे साथ में और भी युवा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता क्रांतिकारी सुधीर जी हैं। सुधीर जी, आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत है। और रही बात SC ST OBC वर्ग का क्रीमी लेयर जो लाए हैं आरक्षण का मूल अगर देखेंगे संविधान में, आरक्षण का जो डिबेट है उसमें देखेंगे तो आरक्षण का प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन पे लोग थे, जो हाशिए पे लोग थे, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रावधान किया गया। अब देखेंगे तो ये ले आ रहे हैं क्रीमी लेयर, जैसे पिछड़े वर्गों में भी क्रीमी लेयर आएंगे। लेकिन बात यह है कि आप जाति जनगणना करा नहीं रहे हैं, आप समाज का वो डाटा पेश नहीं कर रहे हैं कि कौन कितने लोग संस्थानिक रूप से भागीदार हैं, कौन पिछड़े हैं, कौन नहीं पिछड़े हैं। दूसरे में आप देखेंगे कि लगातार जब से 2014 से बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर संस्थाओं में NFS लगा रही है, नॉट पॉसिबल वाला। देखेंगे एक तरफ से जब तो हमारे पदों पर, हमारी नियुक्तियों पर, हमारी सीटों पर, हमारी वैकेंसियों पर आप ये बकायदा डाटा दे रहे हैं कि नॉट पावर सुटेबल, मतलब हम पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और हम संस्थाओं में आ रहे हैं, भागीदार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमें दिखा रहे हैं कि यह योग्य नहीं है। उसके बाद आप एक दूसरा दोहरा चरित्र लगा रहे हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये कतई न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। और रही बात, इससे पहले भी ये SC ST समझा को छेड़ने का प्रयास किए थे, जो SC ST एक्ट का जो एक्ट था उसमें भी ये छेड़ने का किए थे, लेकिन उसमें भी देखेंगे क्या हुआ, पूरा समाज लामबंद हुआ, सड़क पर हुआ, मोबलाइज हुआ और हाथ में हाथ उठाकर नारे लगाए और विरोध किए और सरकार बैकफुट पे जाकर अपना फैसला वापस ली। ठीक इसी भी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि यह कतई न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। आप देखेंगे कि आपको मैं संविधान सभा की डिबेट जो बता रहा हूँ, शैक्षणिक और सामाजिक, आज भी वो समाज में पनपा हुआ है। आप देखेंगे कोई घोड़ी चढ़ने पे कोई किसी को हत्या किया जाता है, किसी को मूछ रखने पे हत्या किया जाता है, किसी के मटके पानी पी लेने से, मेघवाल नाम राजस्थान में मटके पी लेने से हत्या हो जाती है। ये प्रतिसत्तात्मक सोच वाले लोग, सामंतवादी सोच वाले लोग, ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग आज जो बैठकर सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में फैसला ले रहे हैं, या वो मनुवादी और मनुस्मृति, चाहे वो दक्षिणपंथी के लोग जो सत्ता शासन में बैठकर जो बहुजन समाज है उसके हकों हितों पे जो डाका डालने का काम कर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से समाज में खारिज करने का प्रयास करना है। तो हम उनसे बता देना चाहते हैं कि वह बहुजन समाज नहीं है जो दशकों से शोषण अत्याचार उत्पीड़न सहा, यह वह बहुजन समाज है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कथनी और करनी दोनों पे चलने पे उतारी है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और उन्होंने ये भी किया है कि अपने हकों हकूकों के लिए संघर्ष करिए, संघर्षित रहिए, संघर्ष करिए। तो हम लोग उन्हीं के विचारों को मानते हुए आज सड़कों पर उतरे हैं, और जब तक ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं करती है हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। और बता दे रहे हैं कि सत्ता और शासन से कि तुम जितना भी तानाशाही जुल्मियत है, फौजी या मिलिट्रियन जितना भी लगाना अपने बटों में जितनी ताकत है भर लो, ये समाज 70-75% समाज है, और हम बता रहे हैं समाज ही भारत देश चलाता है। बहुजन समाज इस दिन समाज से हट जाएगा,
चंद कटोरी मुट्ठी भर से देश नहीं चलने वाला है। यह देश हमारा है और हम अपने तरीके से हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। सुधीर यादव, समाजवादी छात्र सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र नेता। आप यादव समाज से हैं और एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आए हैं, जो है समर्थन देने धर्म भारत बंद को लेकर, क्या सोचकर आए हैं यादव समाज? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आप देखेंगे पार्लियामेंट में जो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? वहाँ महिलाओं की भागीदारी के लिए दे रहे हैं। पिछड़े समुदाय के आर्टिकल 39 में जो मेंशन किए हैं उसी के लिए देते हैं पिछड़े समाज को। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे बौद्धिक वर्गों ने पिछड़े और दलित समुदाय में, जो बहुजन समुदाय में पिछड़े और दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय में जो गैप है उसको भर नहीं पाए, क्योंकि बाबा साहब की सोच थी कि एक पिछड़े समाज भी सामाजिक रूप से बहुत बड़ा पिछड़ा था, इसीलिए ने आर्टिकल 39 जो उसमें मेंशन किए थे कि उनको भी अवसर दिया जाए, उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। उनको आप देखेंगे राज्यसभा से जो इस्तीफा दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो, पिछड़े की भागीदारी हो, वहाँ पे इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो बाबा साहब चाहते थे कि जो भी हाशिए के समाज है, जो पिछड़ापन है, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है, उसको भागीदारी इस देश के संस्थानों में होनी चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब किसी एक जाति वर्ग विशेष के लोग नहीं है, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। जो भी प्रगतिशील मानसिकता के लोग हैं, जो भी सामाजिक न्याय के में विश्वास रखने वाले हैं, जो भी समतामूलक समाज का निर्माण चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि जाति व्यवस्था टूट जाए, जो भी चाहते हैं महिलाओं के प्रतिनिधि बढ़े, जो भी चाहते हैं कि अमन चैन और सुख शांति से यह समाज चले, जो भी चाहते हैं कि न्याय तर्कपूर्ण यह समाज चले, जो भी चाहते हैं कि सभी को समता और समानता और बंधुत्व की भाईचारा रखने वाले जो विचारधारा के लोग हैं, वो सबके बाबा साहब हैं, न कि किसी पिछड़े के हैं, न किसी दलित के हैं, न किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हैं। बाबा साहब सबके हैं और बाबा साहब को जो पढ़ेगा वो बाबा साहब के अनुसार चलेगा। बाबा साहब मानवतावादी है, बाबा साहब संवेदनशील आदमी है, बाबा साहब प्रेम और करुणा के मूर्ति है। आज तक बाबा साहब को जिसने भी पढ़ा है बाबा साहब का मुरीद हो चुका है। इसलिए ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि मैं पिछड़े समाज से होकर एससी एसटी का आरक्षण कर लूंगा, क्योंकि यह न्यायपूर्ण नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और यह विधि संगत नहीं है, संवैधानिक संसद नहीं है। इसलिए सड़कों पर उतर कर हम लोग संघर्ष करेंगे और जब तक इस सरकार को अपने फैसले के पीछे नहीं हटेंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बहुजन समाज जाग रहा है, बाबा साहब को अपना रहा है और पढ़ भी रहा है। जितेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे भारी जन सैलाब है धरना को लेकर, क्या कहेंगे? मैं जितेंद्र गौतम, आजाद समाज पार्टी जिला सचिव। अगर ये करना ही है इनको जातिगत जनगणना करा दें और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको हिस्सेदारी दीजिए, इसका कोई सवाल ही नहीं। अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आश्वासन दिया, कुल मिला के आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सांसद भवन में विधेयक लाए, अब विधेयक लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है पूर्ण रूप से खंडन करें जो इन्होंने लागू किया है एससी एसटी क्रिमिनल। और ये जो है इससे एक तरीके से समाज में मतभेद पैदा होगी और सारे लोग जो है हमारे समाज ही आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये तोड़ने वाला काम हो रहा है। दीजिए, दे ये सबको, दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना ही है तो जातिगत जनगणना कराएं और जितनी सबकी जो है भागीदारी है उतना सबको जो है हिस्से सबको दे हिस्सेदारी। बहुजन समाज जाग रहा है अपना हक अधिकार।